नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केळकर हॉस्पिटल, जो अकोला में है। अकोला ये महाराष्ट्र इंडिया में है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है मोबाइल फोन एडिक्शन। एक कोट मैंने हाल ही में पढ़ा कि मेरे और मेरे चार्जर की एक जैसी हालत है। मैं मेरे फ़ोन में घुसा रहता हूँ और चार्जर मेरे फ़ोन में। तो ऐसी कंडीशन आजकल के युवाओं की हो गई है। स्मार्टफोन एडिक्शन और सेलफोन एडिक्शन के कारण हजारों युवाएं जो है, लड़के लड़कियाँ, एडोलसेंट्स, ये सबकी जो जिंदगी है बर्बाद हो चुकी है। तो हाल ही में जो नए नए रूल्स निकले हैं साइकेट्री में, उसके हिसाब से सेलफोन एडिक्शन इज इक्वल टू सब्सटेंस यूज एडिक्शन। मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना हद से ज़्यादा, ये चरस, गांजा, शराब या सिगरेट का इस्तेमाल करना जैसे प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। इसलिए ये वीडियो के द्वारा मैं ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके दोस्त से अगर ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम से दूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस यूज एडिक्शन जितना प्रॉब्लमेटिक है, उतना ही मोबाइल फोन एडिक्शन भी प्रॉब्लमेटिक है। मोबाइल फोन एडिक्शन होता क्यों है, इसके कारण क्या है? जैसे सभी को मालूम है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आजकल बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार के सिम कार्ड उपलब्ध है। पेरेंट्स की रोक टोक नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेस लोगों को मिल चुका है। बच्चे बोलते हैं कि हमको उसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए जरूरी है। ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से मोबाइल फोन आजकल घर घर में सबके पास अवेलेबल है। एक नहीं बल्कि हर व्यक्ति आजकल दो दो तीन तीन मोबाइल फोन का यूज कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली उसको अप्रोप्रिएटली नहीं, इन अप्रोप्रिएटली उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल फोन एडिक्शन यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो एडोलसेंट ग्रुप है, कॉलेज गोइंग यूथ है, उनमें यह एडिक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। साथ ही में जो सादा सिंपल फोन यूज करते हैं उनसे भी ज्यादा जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण मोबाइल फोन और स्मार्टफोन का यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि टीन्स में जो कॉलेज गोइंग यूथ है उनमें ये जो मोबाइल फोन एडिक्शन है बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। मोबाइल फोन एडिक्शन के सिम्टम्स क्या क्या है? यूजुअली अगर हम देखते हैं कि अगर पेशेंट, अगर वो व्यक्ति को क्रेविंग होने लगे कि हाँ, मुझे हर दो मिनट में, हर पांच मिनट में मुझे मोबाइल देखना ही है, मोबाइल पे व्हाट्सएप देखना ही है, इंस्टाग्राम पे जाना ही है, स्नैपचैट पे जाना ही है, अगर बार बार उसे लगने लगे, तो हम बोल सकते हैं हाँ, ये स्टेप नंबर वन है मोबाइल फोन एडिक्शन की। इसको हम बोलते हैं क्रेविंग। नंबर टू हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अगर हमने बार बार मोबाइल चेक किया नहीं तो हमें बहुत ही अनइजी लगता है, तो इसका मतलब है कि हम उस पर धीरे धीरे डिपेंडेंट हो रहे हैं। थर्ड है विड्रॉल सिम्टम्स। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास से अगर मोबाइल फोन चुरा लेता है या निकाल लेता है या रख लेता है और थोड़ी देर बाद ही वो व्यक्ति को अगर टेंशन आने लगा, ऐसे लगने लगा कि मेरा फोन कहाँ गया, मुझे फोन के बिना जमता नहीं है, दिमाग घूमने लगा, चक्कर आने लगा, हाथ कांपने लगे, टेंशन आने लगा, तो हम ये बोलने लगते हैं कि इस व्यक्ति को विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स मोबाइल फोन एडिक्शन और विड्रॉल के कारण होते हैं। मोबाइल फोन एडिक्शन इतना घातक क्यों है, इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी जरूरी है वो ये है कि मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण हर एरिया में, रिलेशनशिप हो, सोशल लाइफ हो, सेक्सुअल लाइफ हो, फिजिकल लाइफ हो, हर एरिया में मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फोन साथ में रखते हैं, पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ में है तो पेरेंट्स मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ बिस्तर पे बैठे हैं तो वो अपने अपने मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, अगर दोस्त बैठे हैं तो मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं तो मोबाइल पे ज्यादा उनका ध्यान है। ऐसे अलग अलग एरियाज में पूरे जो लोग हैं वो मोबाइल पे ज्यादा अट्रैक्टेड है, हालांकि उनका जो लाइफ जो बीत रही है, जो कंटिन्यू चालू है, उन पे वो लोगों का ध्यान नहीं है। यूजुअली आजकल लोग क्या करते हैं कि लोगों को अपने जेब में रखते हैं
और मोबाइल को अपने हाथ में रखते हैं और अपना पूरी जिंदगी उसके आजू बाजू ही घूम रही है। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण लोगों को इनसोम्निया हो रहा है, मतलब नींद नहीं आ रही है। रात रात भर चैटिंग करना, दिन में लेट उठना, उसके कारण ओबेसिटी, अलग अलग प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तो ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में ये मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण वो व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, आजकल लोग मोबाइल फोन लेकर क्रॉस करते हैं रोड, मैरिज फंक्शन में जाओ तो मोबाइल फोन यूज करते हैं, अलग अलग चीजों में रिलेशनशिप से ज्यादा लोग मोबाइल फोन पे बिजी है और उसके कारण सोशल लाइफ जो है वो पूरी तरह हैम्पर हो चुकी है। 100 साल पहले मोबाइल नहीं था, तब लोग ज्यादा यूनाइटेड थे, बॉन्डेड थे और उस वक्त रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी थी। थर्ड जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है साइकोलॉजिकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस चीजों पे हम डील करते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव भावना होना, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि भाई मुझसे ज्यादा ये व्यक्ति को ज्यादा लाइक्स है, इसको ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, ज्यादा थम्सअप मिल रहे हैं, ज्यादा फोटोज शेयर हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे। ये व्यक्ति को ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, मुझे नहीं हो रहा। उस कारणवश वो व्यक्ति को एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन आ जाता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है और अल्टीमेटली उसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो है सुसाइड करना। आप लोगों ने कितना न्यूज पढ़े होंगे पता नहीं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण वो व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया या उसके इंपैक्ट के कारण वो व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, और ये आजकल की सत्य घटनाएं हैं। इसीलिए मोबाइल फोन एडिक्शन से दूर होना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि सेल फोन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि सेल फोन आपका बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता। सेल फोन जो बताता है और रियल में जो घटनाएं घटती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली इतना एडिक्शन हो जाता है कि लोगों को रियल क्या है और अनरियल क्या है, फैंटेसी क्या है, इसमें फर्क दिखाई देता नहीं है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो गर्व से बोलते हैं कि हाँ, मैंने तो मेरे बच्चों को 9th स्टैंडर्ड में ही मोबाइल दे दिया, मैंने मेरे लड़की को 6th स्टैंडर्ड में मोबाइल दे दिया। तो मैं बोलता हूं कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12th स्टैंडर्ड तक मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है और वो हो रहा है। सेल फोन एडिक्शन की ट्रीटमेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमारे पास आजकल आ रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं कि सेल फोन एडिक्शन की ट्रीटमेंट उपलब्ध है क्या, और मैं उनको बताता हूं, काउंसिलिंग करता हूं, उनको ट्रीटमेंट देता हूं। मैं ट्रीटमेंट के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।